भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगले साल होने वाली चार टेस्ट मैचेस की सीरीज पर बड़ी अपडेट इस वक्त की आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि जो चार टेस्ट मैचेस टीम इंडिया को खेलने हैं वो डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल के लिहाज से बड़े ही इंपॉर्टेंट सीरीज का हिस्सा होने वाले हैं। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय दौरे पर आएगी अगले साल और फरवरी मार्च में चार टेस्ट मैचेस खेल करके उसको भारत से वापस लौटना है। और ऐसे में उसके टेस्ट मैचेस कहां कहां खेले जाएंगे, उस सीरीज के मैचेस कहां कहां होंगे, उस पर इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। सोर्सेस से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चार वेन्यूज जो है वो फाइनलाइज किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला होगा दिल्ली, दूसरा होगा अहमदाबाद, तीसरा होगा धर्मशाला और चौथे वेन्यू के लिए अभी भी कंफर्मेशन आना बाकी है। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नागपुर और साथ ही साथ चेन्नई के बीच में जो है यह मुकाबला चल रहा है कि किसको होस्टिंग राइट मिलने वाले, क्या नागपुर के पास में चौथा टेस्ट मैच जाएगा या वो चला जाएगा आपके चेन्नई के पास में। चूंकि आपको याद होगा कि पिछली बार इंग्लैंड का जब टेस्ट सीरीज हुआ था भारतीय दौरे में, तो दो टेस्ट मैच चेन्नई में खेले गए थे और दो अहमदाबाद में खेले गए थे। तो अभी जो चार वेन्यूज की बात हो रही है वो दिल्ली, अहमदाबाद और धर्मशाला लगभग कंफर्म्ड है। और चौथे वेन्यू के लिए जहां तक अगर बात चल रही है वो है इस समय कि क्या वो नागपुर में होगा या वो आपके चेन्नई में होता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी इस वक्त की अपडेट यही है कि चार टेस्ट मैच की जो सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया को भारतीय सरजमी पर आना है वो चार टेस्ट मैचेस इन्हीं मैदानों पर खेले जाएंगे। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम की कोशिश होगी कि इन मैदानों पर जो कि स्पिन भी असिस्टेंस मिलता है वहां पर धाराशाही करके ऑस्ट्रेलिया को डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल अपनी पोजीशन जो है और मजबूत की जाए, ताकि इस बार भारतीय टीम अगर डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचती है तो एक बार मौका होगा एक बार फिर से कम एक आईसी ट्रॉफी जो है हम अपनी झोली में डाल सके। लेकिन देखना होगा क्या होगा। लेकिन जैसे ही कंफर्म्ड आ जाएगी खबर कि आखिरकार किसको किसको वेन्यू अलॉट किया गया है, वो हम खबर भी आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन अभी की जो अपडेट है वो यही है जो सोर्सेस से खबर आई है कि दिल्ली, अहमदाबाद और साथ ही साथ अगर देखें धर्मशाला, ये तीन वेन्यू तो कंफर्म नजर आ रहे हैं। चौथे वेन्यू के लिए अभी डिसाइड नहीं हो पाया है, नागपुर और साथ में चेन्नई के बीच में से ये टाई हो सकता है, दोनों में से किसी एक को ये मौका दिया जा सकता है। लेकिन जैसी अपडेट आती है हम और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज से अभी डेट्स भी अनाउंस होनी है उनको लेकर के, तो वो भी खबर आएगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आखिरकार आपको क्या लगता है, चेन्नई को मिलना चाहिए, नागपुर को मिलना चाहिए, कौन से चार आपके फेवरेट वेन्यूज नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।